उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे के पास हुए सड़क हादसे में जिला अस्पताल में परिजनों के हंगामे के बाद पुलिस हरकत में आई है। पुलिस ने स्कूटी को टक्कर मारने वाले अज्ञात वाहन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के साथ घटनास्थल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। पुलिस ने जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी के संकेत दिए हैं। कोतवाली इंचार्ज अनूप न्याल ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज में दो वाहन ट्रेस हुए हैं, जिनमें संभवत एक चार पहिया वाहन भी नजर आ रहा है। उन्होंने बताया कि किसी भी वक्त आरोपी गिरफ्तारी हो सकती है। बता दें कि बीती रात गंगोत्री हाईवे पर पोखू देवता मंदिर के समीप अज्ञात वाहन स्कूटी सवार दो लोगों को टक्कर मारकर फरार हो गया। हादसे में दोनों युवकों की मौत पर ही मौत हो गई थी। रविवार सुबह परिजनों और ग्रामीणों ने आरोपी की गिरफ्तारी को जिला अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मृतकों के शव का दाह संस्कार करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन देकर मामला शांत कराया। उत्तरकाशी से विनीत कसवाल की रिपोर्ट। ये बहुत ही दुख भरी घटना है। मातली पड़ी की जो है दो लड़के इसमें मृत्यु हो चुकी है और 14 घंटे हो चुके हैं, अभी भी प्रशासन की तरफ से जो है अपराधी नहीं पकड़ा गया है। ये बहुत दुखद बात है और हम लोग यह हमारी मांग ये है कि जब तक अपराधी पकड़ा नहीं जाता है तब तक हम यहाँ से सब नहीं ले जाएंगे, तब अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। और प्रशासन का रवैया बिल्कुल भी बहुत वो है, निराशाजनक है। बिल्कुल सहयोग नहीं कर रहा है, पुलिस का बिल्कुल सहयोग नहीं हो रहा है। अभी तक इतना टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक वो नहीं पकड़े गए हैं, तो हम यही चाहते हैं। हमने कैमरे दिखवा रहे हैं इसमें और पूरे रूट को ट्रेस किया गया है। जितने भी कैमरे हैं, होटल्स के कैमरे या लोगों के प्राइवेट कैमरे हैं या सरकारी कैमरे, सबको दिखाए जा रहे हैं। 4-5 टीम हमने गठित कर दी है और कुछ लोगों को बाहर के लिए भी रवाना किया गया है। कुछ गाड़ियां चिन्हित की गई हैं जो संदिग्ध लग रही हैं, उन्हीं पर हमारा कार्य